गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बकचोदी। आई होप सब सही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो आते हैं लगातार और गांड मारते हैं बार बार। रिश्तेदार, इन लोगों के सुई बस तीन चीज़ों पर अटकी हुई है। पहली चीज ये पूछेंगे कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। भोसड़ी का मेरा बायोडाटा तो ऐसे लेते जैसे अपनी बेटी का कन्या दान करा देगा। और दूसरी चीज, चाहे इनका बेटा चूतिया से चूतिया, गांडू से गांडू क्यों ना हो, बताएंगे ऐसे जैसे राजा है भोसड़ी का। और तीसरी और सबसे चुतियाब चीज, अबे तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दे पाए तो तुम्हें गांडू घोषित कर दिया जाएगा। इनके सवालों में सेंस उतनी ही कम होती है जितना 1-2-3 को के हैक्स में लॉजिक। अब कुछ ऐसे सेवेज बच्चे होते हैं जो अंकलों की गांड ले लेते हैं, जैसे कि बंटू। हाँ पापा। बंटू ये तुम्हारी मम्मी के दूर के चाचे हैं, चड्डा साहब। चड्डा, ये कैसा नाम है? बचपन में इनकी चड्डी एक बंदर ले गया था, इसलिए हमेशा पैंट पे चड्डा पहनते हैं, इसलिए इनका नाम चड्डा साहब है। अच्छा, मुझे लगा इनकी गांड में गद्दा है इसलिए इनका नाम चड्डा है। कितना बड़ा हो गया है, अंतल मेला भी बड़ा हो गया है। क्या दिमाग दिमाग। अरे चड्डा साहब एक गाना बड़ा अच्छा गाता है। अच्छा सुनाओ सुनाओ। लुक अभी तेरी गांड मालता हूँ। ए दी ओ दी मेला भी लोदी, गांड अपनी दोदी, बंटू का फूल फालतू का वन, चल निकल बहन के लन, चल निकल बहन के लन। अरे चट्टा साहब गुस्सा मत होइए, इसको शहरी कौर शौक है, सुन लीजिए। लास्ते होते हैं चौड़े मेरे सारे के सारे रिश्तेदार। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।